एआईसीसी के मेंबर संतोष कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ विकास भवन के समक्ष 15 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। धनबाद झरिया के राजापुर परियोजना में कार्य कर रहे डेको आउटसोर्सिंग के खिलाफ एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर संतोष कुमार सिंह ने झरिया के विकास भवन के समक्ष 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संतोष कुमार सिंह ने कहा कि डेको आउटसोर्सिंग डीजीएमएस के प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर कोयले का उत्खनन कर रही है। वो भी डंपिंग और ब्लास्टिंग में भी डीजीएमएस खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियमों की खूब धज्जियां उड़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज राजापुर परियोजना में डेको द्वारा की जा रही ओबी डंपिंग झरिया वासियों के लिए मौत का पहाड़ बन गया है। इसका वजह यह है कि आउटसोर्सिंग परियोजना में ओबी डंपिंग की हाइट निर्धारित मापदंड से कई गुना ज्यादा है। यही नहीं, डेको आउटसोर्सिंग खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियम के अनुसार ब्लास्टिंग का काम भी नहीं कर रही है, जिससे कभी कभी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने कहा कि डेको द्वारा की जा रही मनमानी का खामियाजा आज झरिया वासियों को भुगतना पड़ रहा है। झरिया वासी आउटसोर्सिंग के कारण पूरी तरह प्रदूषण के चपेट में आ गए हैं, जिससे झरिया की जनता कई भयानक बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन डेको अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। यही नहीं, आउटसोर्सिंग बीसीसीएल के अधिकारियों के लिए लूट का अड्डा बन गया है, जिसके कारण बीसीसीएल के अधिकारी आउटसोर्सिंग के द्वारा की जा रही मनमानी पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज डेको पश्चिम बंगाल से डीजल की खरीदारी कर झारखंड सरकार को 20% का चूना लगा रही है, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डेको द्वारा की जा रही इस मनमानी को नहीं चलने देगी, जिसे लेकर शनिवार को झरिया के विकास भवन के समक्ष प्रदर्शन कर डेको आउटसोर्सिंग को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की गई। अगर बीसीसीएल प्रबंधक जल्द से जल्द डेको पर कार्रवाई नहीं की तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माफिया राज नहीं चलने देगी। मेरा मुद्दा है झरिया बचाने के सवाल पर, और झरिया में जो झरिया की जनता प्रदूषण से जो जूझ रही है, और इस मौत का पहाड़ जो ओबी के रूप ओबी डंपिंग कर करके जो मौत का पहाड़ बना दिया है, झरिया की जनता के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के 1.5 किलोमीटर की जगह पर 2 किलोमीटर दिखला रहा है लीड। यहाँ पर कोयला डंपिंग में भी कोयला चोरी भी कर रहा, और आज बरोरा में भी कल घटना देख लिए होंगे कि डेको के ही आउटसोर्सिंग के कंपनी से मजदूर मारे जा रहे हैं। इसके पहले 2 साल पहले यहाँ 3 मजदूर मारे गए, आज कल वहाँ बरोरा में मजदूर मारे गए। डेको आउटसोर्सिंग जो है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का गंगोत्री है, और ये पूरे बीसीसीएल के अधिकारियों से मिलकर के लूटने काम कर, मजदूरों के साथ सारा आउटसोर्सिंग इसमें इन्वॉल्व है, कोई मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। लेकिन ये भी ये सबका दादा है, डेको हुआ, हेल्टअप हुआ, यूसीसी हुआ, सारे भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। और सबसे बड़ा झरिया का ही देख लीजिए, इस ऑफिस से देखिए कि मौत का पहाड़ ये देख लीजिए जो इसका ये है। तो हमारा लड़ाई है, और यह लड़ाई की शुरुआत कर दिए हैं। जब तक डेको आउटसोर्सिंग को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता है, हमने जीएम साहब को भी स्पष्ट कर दिया, जब तक ब्लैकलिस्ट नहीं होता है तो हमारा लड़ाई आंदोलन जारी रहेगा। ये बहुत बड़ा पहल हुआ है, जो यहाँ मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, जो आज यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार युवक हैं वो दर दर भटक रहे हैं, जो डिप्लोमाधारी हैं उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, जो नौसिखवा हैं उनसे बम ब्लास्ट करा के कोयला का दोहन कर रहे हैं, ट्रक का ट्रक चोरी करवा रहे हैं, और जो यहाँ पर जो गाइडलाइन है डीजीएमएस का, एक भी उसका अनुपालन नहीं हो रहा। इसलिए संतोष सिंह के नेतृत्व में यहाँ से नहीं झारखंड भवन को भी घेरना पड़ा, हम लोगों को दिल्ली में भी धरना पड़ा, तो हम लोग इससे चुकेंगे नहीं, क्योंकि छात्र आंदोलन से ही हम लोग हर समय ये यहाँ के नेताओं ऐसा नहीं कि अभी बात कर लिए सेटिंग हो गया हम लोग काम बंद कर लिए। हम लोगों का काम है कि यहाँ से प्रदूषण मुक्त कराना, बेरोजगारों को रोजगार देना, जो यहाँ पर लेबर जो जिसका ग्रेड है 22,000 रुपया देने का, उसको 7,000 रुपया दे रहे हैं, यहाँ से जो ट्रक पर है वो तिरपाल लगाकर कोयला को डंप करना है, लेकिन इसका कोई पानी छिड़काव करना है लेकिन कोई नहीं है, ये सिर्फ